नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। समुद्र शास्त्र में हमारे हाथ की रेखाओं को, हमारे स्वभाव को और हमारे मस्तक की रेखाओं को देख करके हमारे भविष्य की गणना कर लेते हैं। तो आज भी दोस्तों, हमारे हाथ में बनने वाले जो रेखा होती है, हमारे जो गर्दन की तिल होती है, चेहरे में तिल होती है, इससे भी बहुत ही आसानी से हमारे भविष्य को परखा जा सकता है, भविष्य को देखा जा सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि भविष्य में आगे चल करके हम क्या बनेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे चीजों के बारे में बताऊंगा जो कि हमारे अंग में होते हैं, हमारे शरीर में होते हैं, जिससे हम भविष्य में होने वाली घटनाओं को जान सकते हैं, आगे चल करके हम क्या बन सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस प्रकार के आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलती रहे, तो आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमने वीडियो के टाइटल में भी लिखे हैं कि ऐसे लोग होते हैं किस्मत वाले, इनके हाथ में होती है तरक्की की चाबी। तो आइए जानते हैं कौन से लोग होते हैं किस्मत वाले, जिनके हाथ में होती है तरक्की की चाबी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आमतौर पर लोगों की 5 उंगली होती है, लेकिन अगर आपके 6 उंगली है तो इनका जो नसीब होता है काफी अच्छा होता है और किस्मत भी इनके हर कदम में साथ देती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की 6 उंगली होती है, ऐसे लोग खास करके बहुत ही ज्यादा किस्मत वाले होते हैं। इनके रहन सहन से लेकर के बातचीत करने का जो तरीका होता है सबसे अलग होता है। ऐसे लोग भी भीड़ में भी अपनी जगह बना लेते हैं और कामयाब होते हैं। इन्हें तरक्की की नए नए मार्ग मिलते रहते हैं। ऐसे लोग उच्च पदों को प्राप्त करते हैं, उच्च पदों पर जा करके कार्यरत होते हैं। हथेली पर एक सका निशान। जी हाँ मित्रों, हथेली पर जिनके एक सका निशान बनते हैं, ये लोग बहुत ही किस्मत वाले होते हैं। ये लोग जीवन में जिस भी चीजों को पाना चाहते हैं, उस चीज को इनके जीवन में उन्हें मिल ही जाता है। ऐसे लोग का भाग्य बहुत ही अच्छा होता है। इन्हें काम में नए नए अवसर और सम्मान भी प्राप्त होते रहते हैं। चेहरे पर तिल। जी हाँ दोस्तों, चेहरे पर तिल। ऐसे लोग बहुत ही मेहनती होते हैं। इन्हें अपना काम दूसरे पर टालने की आदत नहीं होती। ये हर काम को बेहद तरीके से करने की कोशिश करते हैं, कुछ अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं और इनकी इसी आदत के चलते ये लोग कामयाब भी होते हैं, नई तरक्की को प्राप्त करते हैं। जिस भी चीज को करते हैं उस चीज में कार्य करते हैं, उसमें कार्यरत होते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं। ऊंची गर्दन वाले। जी हाँ दोस्तों, ऊंची गर्दन वाले ऐसे लोग बहुत ही आलोचक होते हैं। इन्हें दूसरों का किया गया काम जल्दी पसंद नहीं आता। ये हमेशा दूसरे के कामों में कमियां निकालते हैं, खराबी निकालते हैं। इसी के चलते ये लोग जो है ना, इनकी लोगों के साथ अनबन हो जाती है, लोग इन्हें पसंद नहीं करते। नाखून पर अर्धचंद्रकार। जी मित्रों, अगर आपके नाखून पर अर्धचंद्रकार बनते हैं तो आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। ये बहुत ही कलात्मक किस्म के होते हैं, इस वजह से क्रिएटिव क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोग अच्छे आर्टिस्ट भी बन सकते हैं। ऐसे लोग जो है भविष्य में चल करके राजनेता बनते हैं, हर प्रकार की विद्याओं को प्राप्त करते हैं और ऐसे लोग जो है दोस्तों साधु भी बनते हैं। साधु के मतलब होते हैं सज्जन पुरुष बनते हैं। तो अगर आपके भी हथेली में, चेहरे में कुछ इस प्रकार के निशान पाए गए हैं तो आप भी भविष्य में इन तरक्की को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि वीडियो में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।